ख़त्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जो है काट के लाते हैं फिर। हाँ जी, सुबह अबू के पास कॉल आई है तो इसलिए अबू ने कहा है बच्चों को ये से खिला दो, सूख जाएगा। इधर जी अम्मी आई हैं घास वगैरह डालना, जैसा कि सुबह के रूटीन में होता है, पहले घास वगैरह डालना फिर वो थोड़ा सा खा पी लेंगी तो फिर दूध निकालना। हाँ ऐसा है, पहले दूध निकाला करते थे, घास बाद में डालती थी, आज पहले घास डाल रही हैं, बोलती हैं वो चरने जाएंगी ना तभी पहले घास खा लेंगे थोड़ा सा, फिर दूध निकाल के फिर वो चरने चले जाएंगे, ये मशवरा किया है अभी। ये भूसा जो है ना किसी से लेना पड़ा, मोल लेना पड़ा सा, हमारा जो था वो ख़त्म हो गया था। अभी यहाँ पास में करीबी हमसाए हैं, उनसे जो है हमने पैसे दे कर लिया है मवेशियों के लिए स्पेशल, क्योंकि भूसे के बगैर तो वो भूखे रह जाते हैं, इसलिए भूसा भी लाजमी है। और वो जो होता है ना हमारे फसल वाला, वो तो हम उससे मांग लेते हैं, वो चौधरी से ज़मीन मालिक से हम वो मांग लेते हैं, बाकी दाने वगैरह वो अपने ले जाता है, उसको पता है, क्योंकि वो चौधरी का जो है ना मवेशी वगैरह पता नहीं है या नहीं है, वो कभी पूछा नहीं,
तो बाकी हमारे तो मवेशी हैं, उसने तो देखे हैं ये भी किसी दूसरों के, और ना खिलाए पिलाए तो पल्ले बंदे जो है ना नाराज होंगे कि हमारे मवेशी भूखे मरते हैं। इसीलिए फिर इनको तो खिलाना है, आखिर जो भईवाल होता है, हिस्सेदार होता है ना, उसको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। तो बाकी भूसा जो है रख लेंगे वो अपनी फसल वाला, दाने वगैरह चाहे वो ले जाए, मवेशियों की पहले सोचनी है। घूम रहा है, देखो सुबह से घूम रहा है घास के लिए, आराम करके खड़े नहीं हो सकते। यही मुझे मारता है, तीन चार बार मारता था, शुक्र बच गया। चलो जी, घास डाला जा रहा है। पहले जो है उधर वल्डे मवेशियों को हमें सट रहे हैं, उसके बाद इन्हें छोटे बछड़ों को डालेंगी। घास भी थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि चलने जाती हैं तो और घास जो है कोई भी किल्लत नहीं है, कसर नहीं है कि कुछ ज़्यादा काट लें, ख़त्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जो है काट के लाते हैं। फिर इसीलिए तो चरने भेजते हैं इनको। चलो दूध निकालने की तैयारी हो गई है। बछड़े को भी एक साइड पे बांध लिया है, अब उठेंगे बाल्टी, जाएंगी गाय के करीब, दूध को निकालेंगी, डंगे को सीधा करेंगे, उसको काबू करके दूध की धारे मारेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ। वो देखें जी, शुरू भी हो गया है सिलसिला, दूध निकालने वाला अभी जो निकाल रही है। वो ख़राब हुए होते हैं ना, मैले होते तो उनको पहले जो है ना धोना पड़ता है, उन थड़ों को। अब धो लिया, आप देखे कैसे निकाल रही हैं।
मैडम साहब यहाँ बैठे सोच रही हैं, और ये राया जो है ये सारा खिलारा हुआ है, वो जो है कचरे वाला है और ये जो है साफ है। तो पता है क्या, वो मालिक ने बोला है कि बाहर से आए हैं 2-3 दिन, तो ये गीला हो गया, इसका रेट जो है नहीं लगेगा। तो आपने इनको सुखाएं पहले, फिर मैं ले जाऊंगा, जमीन मालिक ने बोला है। हाँ जी, सुबह अबू के पास कॉल आई है, तो इसलिए अबू ने कहा है बच्चों को ये से खिला दो, सूख जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो फिर सुबह ले जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जान भी रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुरात रहे फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कौसर इरफान ब्लॉग, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वीडियो जो आपको रिवाइज करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। जो बीमार अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, और जो मजदूर हैं चल भी नहीं सकते उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनकी औलाद जो बहन भी हमें देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके मन रिस्क में बरकते हैं अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस नेक दुआ के साथ चल करते हैं व्लॉग का आगाज। व्लॉग का आगाज कब का हो गया था? हाँ, व्लॉग का आगाज तो कब का हो चुका है, तो मैंने सलाम अभी अभी किया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह साबन भैया को पता है कि हमने सुबह की रूटीन दिखाई है। सबको तो होता है रोज़ा, खाना पीना तो नहीं होता, और दूसरे जो घर के काम होते हैं वो हमने दिखाया है, जैसे मवेशियों का दूध निकालना, क्योंकि जब उठते हैं ना सारी टाइम, तो उस टाइम लस्सी बना लेते हैं और सुबह दूध निकाल के ना, तो फिर दूध जमने के लिए रख देते हैं। तो जैसा दूध निकाला है, मवेशियों को घास डाला, झाड़ू वगैरह लगाया है, ये काम सुबह सुबह पक्षी वगैरह दिखाया है, और अभी जो ये देखने आई थी, जो ये सूखा पड़ा है, जो अभी भी गीला है, इतनी नहीं सूखा, अभी भी कुछ गीला है, ये पूरे झाड़ी सूखे घास। तो आप यहाँ धूप पे ना बैठे, अब अंदर चले।